दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भविष्य में बच्चों को भी कृत्रिम रूप से पैदा किया जाएगा? दरअसल यमन की राजधानी सना के यमेनी मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजिस्ट हसम अल घायली ने दावा किया है कि भविष्य में कृत्रिम कोख से बच्चों का जन्म संभव होगा। कंपनी के अनुसार एक्टोलाइफ नामक इस सुविधा से हर साल 30,000 बच्चे पैदा हो सकेंगे। दरअसल इस तकनीक को बनाने का मकसद जापान व साउथ कोरिया जैसे देशों में गिरती जनसंख्या को नियंत्रित करना है और जो लोग माता पिता नहीं बन पाते उनके लिए विकसित की गई। इस सुविधा के लिए 75 प्रयोगशालाओं में 400 पोडस कृत्रिम गर्भाशय विकसित किए जाएंगे। दरअसल पोडस माँ के गर्भाशय के अनुरूप बना एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक बच्चे को माँ के गर्भ में मिलने वाले सभी पोषक तत्व मिलेंगे। और आपको बता दूं कि यह बहुत एडवांस लेवल की बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें माँ और बच्चे एक दूसरे को अनुभव कर पाएंगे। वैसे आपका क्या कहना है भविष्य की इस तकनीक के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें।